अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। बेटा आज हम क्लास 4 के टॉपिक कर रहे हैं जिसमें कह रहा है आइडेंटिफाई करें यूनिट प्रॉपर इंप्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। इन सवालों में कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है, इंप्रॉपर है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि यूनिट जो यूनिट फ्रैक्शन होता है क्या होता है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वन आ जाए, जिसका भी अपान में सवाल हो, और जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर होगा वो वन होगा, वो आपका क्या होगा यूनिट होगा। अब ये देखें वन अपान थ्री, वन अपान थ्री क्या है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है, क्या है यूनिट फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। और यूनिट फ्रैक्शन के साथ वन अपान थ्री ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये प्रॉपर भी हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखें वन अपान फोर लिखा हुआ है, वन अपान फोर का मतलब क्या है वन आ गया ऊपर यानी यूनिट फ्रैक्शन भी आ गया, ये यूनिट आ गया, ठीक है। अब देखें यूनिट के बाद वन अपान फोर मैंने बताया हुआ है ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो कौन सा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ये है 19 अपॉन 4, क्या है बेटा 19 अपॉन 4 ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है बड़ा है नीचे वाला छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या होता है इंप्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा आता है इंप्रॉपर फ्रैक्शन, ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन, इंप्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, ये हो गया इंप्रॉपर। अभी आते हैं 1/7 ऊपर वाला हिस्सा न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यानी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो हमारे पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके साथ ही 1/7 है ऊपर 1 आ गया, 1 में क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन भी होता है, ये यूनिट भी आ गया आपका यूनिट फ्रैक्शन भी आ गया। अब ये देखें 5/9 ऊपर कितने हैं 5 नीचे कितने हैं 9, यानी ऊपर वाला हिस्सा छोटा नीचे वाला बड़ा, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास सिर्फ प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब ये देखें 2 होल 1/8 ये हमारे पास कौन सा होता है जब भी होल में कोई अमाउंट मिले और आप आगे चल के अपान में हो, वो मैंने आपको बताया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन होता है, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है, ये हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। और इसको आप करेंगे 8 to the 16 और 1/17 ऊपर वाला हिस्सा बड़ा ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा तो इंप्रॉपर भी हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब इसको देखें 4/3 ऊपर वाला हिस्सा बड़ा नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा क्या होता है इंप्रॉपर इंप्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये मतलब फिगर दी गई है, अब जब भी फिगर का क्वेश्चन आता है तो हमें देखना होता है ये कौन सी फ्रैक्शन है, देखें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 ये आपके हो गए अपान 5। अब ये कलर वाले जो शेडेड पोर्शन है वो कितने हैं 1 1 आप क्या लिखेंगे 1/5 1/5 क्या है प्रॉपर है या इंप्रॉपर है, यूनिट फ्रैक्शन भी होता है, तो क्योंकि ऊपर 1 आ गया यूनिट फ्रैक्शन हो गया, ये 1 हो गया यूनिट हमारा, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन भी हो गया। दूसरा ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन भी है प्रॉपर भी है, ठीक है। अब ये देखें ये फिगर है, ये टोटल कितने पोर्शन है 1 2 3 कितने हैं 3, जितने पोर्शन होंगे वो आप नीचे लिखेंगे, और जितनों को शेड दिया गया हो कलर दिया गया हो या कोई ये चीज दी गई हो वो आप लिखेंगे ऊपर, कितना कलर है 1 को कलर है, तो आप क्या लिखेंगे 1/3। अब ये आपका 1/3 1 पर आ गया तो 1 क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन होता है, क्या होता है यूनिट होता है। और दूसरा कौन सा है ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो जाएगा ये, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो गया। अब ये देखें ये एक कंप्लीट है, ये एक कंप्लीट है, अब इसका आधा है यानी क्या लिखेंगे हम 1 होल ये 2 हिस्से है ना, टोटल कितने हैं 2 2 पोर्शन के छेद कितने को है 1 को 1, तो क्या करेंगे 1 होल 1/2 ये कौन सी फ्रैक्शन अभी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। और अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो क्या करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंदर 2 2 और 1 3 3/2 कौन सी फ्रैक्शन होती है 3 बड़ा ऊपर नीचे छोटा, तो ये हमारा आपकी क्या हो जाएगी इंप्रॉपर
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसी टाइप के अगर आपके पास कोई भी फिगर आ जाए, शेप्स आ जाए या सिंपल में न्यूमेरिक आ जाए, तो आप बता सकते हैं कौन सा प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है या यूनिट फ्रैक्शन है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी टाइप के एग्जाम के जो है पेपर्स में भी आते हैं, जो जॉब्स के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आते हैं सवाल, या जॉब में आप जाके देते हैं, तो उसमें भी इस टाइप के सवाल बहुत आते रहते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।